लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। उसमें पहुंचे पालक मंत्री रविंद्र चौहान, लेकिन पालक मंत्री रविंद्र चौहान जैसे ही पहुंचे, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल किया लोकसभा चुनाव को लेकर, तो कहीं न कहीं वो सवालों से बचते बचाते नजर आए। उनके उत्तरों में वो आक्रामकता नजर नहीं आई जिस तरह से वो बहुजन विकास अघाड़ी से वो लड़ाई लड़ सके। जैसे ही उनसे बहुजन विकास अघाड़ी के आसपास का सवाल करना शुरू किया, वो माइक छोड़ भागते नजर आए। इसके अलावा जब हमने उनसे सीधे तौर पर बातचीत करने का प्रयास किया, तब भी वो कोई उत्तर देते हुए नजर नहीं आए। खासकर अपने आप को उन सवालों से बचाते नजर आए जो लोकसभा चुनाव को लेकर अति गंभीर हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लेकर और लड़ाई को लेकर जो शंका बनी है, उस पर जब सवाल करने जाओ तो पालक मंत्री बचते बचाते नजर आए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जब हमने पालक मंत्री रविंद्र चौहान से बातचीत करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बिना बात किए अपने आप को वहां से निकालना उचित समझा। उपस्थित हूँ, पालक मंत्री हैं यहां पर, जिले में आए हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहां के क्या कहेंगे। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है उस पर क्या कहेंगे मंत्री साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से लोकसभा का चुनाव है उसके विषय पर क्या कहेंगे? पालघर को लेकर बहुत सस्पेंस बना हुआ है। चला पाटिल, चला पड़े, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव पे बोल नहीं रहे मंत्री साहब, लोकसभा चुनाव पे आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है बयान। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरीके से मंत्री साहब हैं वो बच रहे हैं। हालांकि ये चुप्पी किस बात पर है? लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी इस तरह की चुप्पी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी या घटाएगी वो समय आने पर बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले पालक मंत्री का इस तरह का रवैया खासा नाराज करेगा उन वोटरों को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट करने वाले होंगे। क्योंकि अगर उनका लीडर ही जवाब नहीं देगा, आक्रामक भूमिका नहीं निभाएगा और महायुति के प्रति अपनी बात नहीं रखेगा, जो स्टार प्रचारक भी है, तो भारतीय जनता पार्टी या महायुति के प्रति किस प्रकार वोटरों की गंभीरता बन पाएगी, अब देखना ये होगा। लोकसभा चुनाव के सरगर्मी जैसे जैसे चढ़ती है, आने वाले समय में महायुति और इस तरफ बहुजन विकास अघाड़ी और उधर उबाटा की जो वर्तमान प्रत्याशी हैं भारती कामड़ी, वो किस प्रकार मैदान तैयार करती हैं और आगे लड़ाई किस प्रकार देखी जाती है।